Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ashish and you're watching the World Traveling Foodie. आज मैं आया हूँ कश्मीर में. लग नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, कश्मीर में ना सही, पर मैं आया हूँ कश्मीरी फूड ट्राई करने. और मैं जिस जगह पे आया हूँ वो जगह ऑथेंटिक कश्मीरी क्यूजीन सर्व करती है. एंड व्हेन आई से ऑथेंटिक आई मीन इट. और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो वहाँ के प्रॉपर कश्मीरी हैं जो यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं. एंड दे हैव बीन ईटिंग द सेम थिंग सिंस बर्थ. वो टेस्ट उनकी जो है वही सेम टेस्ट उन्होंने यहाँ पे पुणे में लाई है. एंड आई एम राइट नाउ एट द मातामाल रेस्टोरेंट व्हिच इज अ कश्मीरी क्यूजिन रेस्टोरेंट एंड व्हिच इज इन वाकड़. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड चेक how the Kashmiri food is. I have never tried Kashmiri cuisine in my life. This is the first time, so I'm very excited. So let's go and check it out. खाना खाने के पहले कश्मीरी कावा, वहाँ का फेमस टी. आई एम गोइंग टू ट्राई दिस. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस इन माय लाइफ. इट्स डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द टी एंड सो टेस्टी. खाना आ गया है तो बेसिकली हमने ऑर्डर किया है कश्मीरी नॉन वेजिटेरियन थाली, जो है कश्मीरी पंडित स्पेशल थाली. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा जो वाजवान थाली में आता है वो भी हमने 3 आइटम्स मंगवाए हैं. तो ये सब चीज़ें क्या क्या है ये हमें रेखा जी बताएंगी. वो टेक्स केयर ऑफ दिस रेस्टोरेंट. हम उन्हें बुलाते हैं एंड शी विल लेट अस नो व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर सो दैट वी नो व्हाट वी आर ईटिंग. एंड वी विल टेस्ट वन आइटम एंड आई लेट यू नो हाउ द टेस्ट इज. तो हमारे साथ रेखा जी है हु टेक्स केयर ऑफ दिस रेस्टोरेंट. वो हमें बताएंगी. बेसिकली मुझे कश्मीरी क्यूजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है. सो वो मुझे बताने वाली है कि ये सब डिशेज जो हमने ऑर्डर किए वो क्या क्या है और कैसे बनती है. सो रेखा जी, पहली बात तो ये खाना स्टार्ट करने के पहले ये रेस्टोरेंट कब स्टार्ट हुआ? ये रेस्टोरेंट यहाँ पे तो मार्च में स्टार्ट हुआ है. ओके, दिस ईयर ना. और आपकी दूसरी ब्रांच? जो मेन ब्रांच है वो गुड़गांव में है. गुड़गांव उसको तो 6-7 ईयर्स हो गए. ओके, तो आप भी बेसिकली वहाँ से ही हो? कश्मीरी? हाँ, कश्मीरी. अब ये कश्मीरी पंडित हो? हाँ, कश्मीरी. और इन रेस्टोरेंट के ओनर भी वही है? कश्मीरी. ओके. और यहाँ के भी हैं? ओके, मिस्टर देव. ओके. और ये जो खाना जो बनाते हैं जी, वो भी वहाँ के ही शेफ्स हैं? ऑल कश्मीरी शेफ. तो खाना बनाने वाले भी कश्मीरी शेफ है. तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑथेंटिक कश्मीरी टेस्ट. जो भी आप ऑर्डर करोगे कश्मीरी ऑथेंटिक टेस्ट होगी. सो रेखा जी, हमें बताओ एक डिशेज के बारे में, ये सब जो हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं. ये जो ये थाली जो है ये पंडित स्टाइल कश्मीरी नॉनवेज थाली है. ओके. और जो आपने ऑर्डर किया है ज़्यादातर वाजवान में डिशेज हमने लिए हैं. हाँ, थाली. तो ये जो है दिस इज मटन यखनी.
दिस वन? नहीं नहीं, ये ये वाला मटन यखनी है जो कि कड़ में बनाया जाता है। ओके, इसमें भी कुछ सौंफ पाउडर और ये सब खड़ा गरम मसाला। ओके, ये दिस वन मटन यखनी। कर्ड बेस्ड बेसिकली हाँ, और इसमें आप लोग मतलब प्याज टमाटर गार्लिक वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते किसी भी इस चीज़ में नहीं यूज़ करते। तो ये जो आप बोल रहे हो ये यूज़ नहीं करते, ये वैसे ही कश्मीर में बनता है? वैसे ही कश्मीर में बनता है। ओके, ये हम लोग चीज़ें यूज़ नहीं करते ऑथेंटिक होता। और ये वाला क्या है? ये है सूप सरवन। ओके, हाँ ये चिकन ही है? मटन नहीं नहीं, मटन ही है, लिवर लिवर ही बोलते हैं ना। लिवर, ओके, चलिए जी। लिवर का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है और जो मसाले वो तो डेफिनेटली डिफरेंट है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किए। इट्स बिकॉज इट्स योर स्पेशल स्पाइसेस। सॉफ्ट यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग। ओके, जो भी खड़ा गरम मसाला होता है, कभी जीरा, बड़ी इलायची वगैरह, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, वो सब जो यूजली सब लोग डालते हैं। और ये वाला क्या? दिस इज कबरगा। कबरगा, ये इसको मिर्च वगैरह खड़ा मसाला में इसको बॉईल करते हैं और फिर इसको घी में फ्राई किया जाता है। ओके, तो पैन फ्राइड है ये? हाँ, पैन फ्राइड या डीप फ्राइड? डीप फ्राइड है ये, पूरा घी में बना है। हाँ, और इसका जो जो पोर्शन होता है ना ये रिब्स का होता है, मतलब हर किसी चीज़ का कबरगा नहीं बना सकते। ओके, मटन का जो भी डिशेज है उसके अलग अलग पोर्शन होते हैं उसके बने, हर किसी चीज़ का कबरगा नहीं बना सकते। कबर का? कबर का। ओके, आप ये देखिए ना रिब्स के वो बोन्स वगैरह देखिए, रिब्स का बना हुआ है, इसको कबर का बोलते हैं और ये घी में डीप फ्राइड है, थोड़ा सा डीप फ्राइड है उसके, जो क्रिस्पी है ऊपर से। ये वाला क्या? दिस इज मच, मच मीन्स कीमा, मीन्स मीट, मीन्स मीट, उसका मीट बॉल बना, मीट बॉल बना, और सेम विद सेम ग्रेवी वो जी। ओके, मच, ये वाला मटन मिन्स किया हुआ, कीमा किया हुआ, उसका मीट बॉल बनाया हुआ है करी में, कश्मीरी में उसको मच बोलते हैं, मच बोलते हैं कश्मीरी में। ग्रेवी का फ्लेवर अलग है। हाँ, आपको ये कैसी बनी हुई है ग्रेवी? ग्रेवी वही हम लोग यूज़ करते हैं ना, सौंफ पाउडर, रेड चिली पाउडर, एनचोन एंड खड़ा गरम मसाला। इसकी ग्रेवी बहुत शानदार है। ये भी मटन है? मटन रोगन जोश। मटन रोगन, मटन रोगन जोश तो हमने लेकिन बहुत जगह खाया है, बट आई एम श्योर इट विल बी डिफरेंट। वो आपने प्याज वाला खाया होगा? हाँ, ये तो बिना प्याज का बना हुआ है। मैंने बहुत जगह पे खाया मटन रोगन जोश। दिस वन इज पालक, पालक विद नदरू, नदरू इज लोटस स्टेम, लोटस स्टेम। इसमें नॉन वेज नहीं है? नहीं, एक्चुअली हम लोग जो भी नॉन वेज खाते हैं उसमें ग्रीन वेजिटेबल होना बहुत ज़रूरी है हम लोग। ओके, ये कौन सा स्टेम है? लोटस, लोटस स्टेम, नदरू, कमल का फूल। भी खाना चाहते यही खाते थे। ये थी कश्मीरी नॉन वेजिटेरियन, कश्मीरी पंडित स्टाइल नॉन वेजिटेरियन थाली, जो कश्मीरी वाजवान थाली है उसमें से हमने ये और तीन डिशेज मंगाई है। सो रेखा जी, ये वाली क्या है? दिस इज रिश्ता। रिश्ता इज अ पाउंडेड मील। ओके, दिस इज डिफरेंस बिटवीन
कीमा एंड पाउंडेड मीट। तो ये हमें बताओ ये कैसे पाउंडेड मीट मतलब एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं? जब हम स्लॉटर करते हैं उसी टाइम इसको इस मटन को पाउंड किया जाता है, उसके बाद आप एक दो घंटे के बाद इसको पाउंड नहीं कर सकते, उसके टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। टेस्ट हो ही गई नहीं पाउंड, इसको हैमर इसको पत्थर पे करके इसे पाउंड करते हैं। ओके, यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन मच एंड दिस इज द टेस्ट। ओके, कभी आपको डिफरेंशिएट पता चलेगा। सिर्फ मीट बॉल ट्राई करता हूँ पहले। दिस इज द मिंस्ड मटन, कीमा वाला मटन, और ये एक अलग तरीके से इसको पाउंड करते हैं, जब उसको स्लॉटर करते हैं तभी ये बनाया जाता है। आप YouTube से देख सकते हैं, हाउ टू मेक दिस इज टोटली डिफरेंट। इसको मटन रिश्ता बोलते हैं, इसको मटन रिश्ता। इसके ग्रेवी और मस्क की ग्रेवी में थोड़ा सा वो फ़र्क है। ओके, थोड़ा सा स्पाइसी है। स्पाइसी है, और स्पाइसी क्यों है इसमें? क्योंकि जो लाल सूखी मिर्च होते हैं ना उसको बॉईल करते पानी में, बाकी मसाला वही रहता है सौंफ शौंफ और लाल मिर्च। ओके, और जो लाल मिर्च होती है ना उसको बॉईल करके उसके पानी में मतलब उसको स्पाइसी है बट वो ऐसा ये नहीं कर रहा है, तकलीफ नहीं दे रहा है, इट्स वेरी प्लेजेंट। मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है उसका। और ये वाला दिस इज मेथी मास, मेथी मास दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। मेथी मास खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि मेथी मास कैसे बनता है। सो बेसिकली मीट को, मटन को छोटे छोटे पीसेज में मिंस करते हैं उसको, और मेथी उसके साथ, मेथी के साथ में ये बनाया जाता है इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड कश्मीरी स्टाइल इज बीन कुक्ड इन। तो ये मुझे बहुत एक्साइटेड था, सारे डिशेज से मैं इसके लिए वेट कर रहा था कब से। वाओ, रियली वाओ, सही वाओ। नहीं सीरियसली, मुझे बहुत टेस्टी है। मेथी चिकन खाया हुआ है पहले, हाँ, जब आप वो चिकन खाते हैं उसमें बीज, इसमें हल्का सा मेथी का जो फ्लेवर आता है ना, दैट्स अ स्टैंड आउट। पर इसमें ये जो दोनों चीज़ें ब्लेंड अच्छे से हो रही है ना, वो एक ही साथ उसका फ्लेवर आ रहा है, चिकन मटन और इसका मेथी का भी। और ये वाला है चिकन यखनी, यखनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चिकन यखनी कैसी बनती है? चिकन यखनी कर्ड में ही बनती है, कर्ड बेस्ड, कर्ड बेस्ड। इसमें से लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं देता, सौंफ पाउडर एंड शॉन पाउडर एंड खड़ा मसाला। ओके, ये और ये इसमें क्या डिफरेंस है यार? इज इट द सेम बेस? दिस इज मटन एंड दिस इज चिकन। दिस इज चिकन, ओके, दिस इज कॉल्ड द मटन, हां मटन, एंड दिस इज इन चिकन। ओके, टेस्ट तो इसका डिफरेंट ही आएगा बिकॉज ऑफ द मीट इज मीट द डिफरेंट प्रोसेस इज डिफरेंट। वो जो हम द वे हम चिकन और मटन को बॉईल करते हैं उसका जो बॉईल किया वो वाटर का जो सूप का टेस्ट आता है उसका टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें, और उसमें जो आपने जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाली हुई है वो उसका फ्लेवर और कैच कर रहा है उसको। इसका कुछ रीज़न है कि कश्मीर में प्याज, सॉरी, जो आप जो चीज़ें यूज़ नहीं करते हो, लहसुन पहले से ही चलते आ रहे हैं ऐसे कि वैसे ही बनाते हैं खाना? मतलब जो जो कश्मीरी हिंदू है तो वो प्याज वगैरह को है, मतलब वो कई लोग प्याज व्याज नहीं खाते ना, जैसे मीट खाते थे लेकिन प्याज, जैन लोग अंडरग्राउंड, नहीं वो अंडरग्राउंड का कोई वो नहीं है, लेकिन वो प्याज और लहसुन वगैरह को एक साथ जूठा मटन खाते थे, बट प्याज और लहसुन ये सब नहीं खाते। तो पहले से ही वैसे ही थे,
तो वो खाने में वैसे ही चलते आ रहे हैं इतने सालों से। सब कुछ ट्राई कर लिया है डिशेस, तो आप एंजॉय करिए खाना। सच्ची में थैंक यू सो मच। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था कि मैं कश्मीरी क्यूजिन ट्राई करूँ। कहीं उधर जाने का तो कभी मौका मिला नहीं, तो मैंने ढूंढा था, तो मेरे को पता चला कि मुंबई में तो है बहुत सारी जगह पर ये मिलता है। एंड जब मुझे ये पता चला कि पुणे में मिलता है, मतलब इसी वीकेंड जाएंगे हम लोग खाने के लिए। सो एंजॉय योर फूड। थैंक यू सो मच। सारे डिशेज ऑलमोस्ट 2-3 बार खा लिए मैंने, और एक दुविधा में पड़ गई कि कौन सी वाली अच्छी है। मोस्ट ऑफ द डिशेज आर मटन की डिशेज हैं, और मटन की एक चीज़ होती है कि उसको बहुत अच्छी तरह से कुक होना चाहिए, और मैं जो पीसेस खा रहा हूँ मटन के वो इतने इजीली ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं कि इट्स सो वेरी वेल कुक्ड। उसके फ्लेवर्स है ना, आपको खा के ही पता चल जाएगा कि द वे इट इज़ बीन प्रिपेयर्ड बहुत ही आराम से अच्छे से टाइम देके उसको बनाया हुआ है। एंड ये लोग, आई एम सरप्राइज, इसमें लहसुन यूज़ नहीं करते हैं, प्याज यूज़ नहीं करते हैं। हाउ कम इट्स सो टेस्टी। इतने सालों से ये चीज़ें ये बनाते आ रहे हैं उसी स्टाइल में। उन्होंने बोला कि वो घर पे जिस तरीके से ये चीज़ बनाते हैं, इट्स मेड इन द सेम वे, प्रिपेयर्ड इन द सेम वे। मोस्ट ऑफ द डिशेज आर मटन डिशेज, देयर इज ओनली वन व्हिच इज़ द चिकन यखनी, और वो भी बहुत टेस्टी है। उसका फ्लेवर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वाह, प्यास लगने पर पानी पी के जो फीलिंग आती है ना, ऐसी फीलिंग मुझे आ जाइए। मैं बहुत दिन से कश्मीरी क्यूजिन ट्राई करने के लिए वेट कर रहा था, एंड फाइनली दैट डे हैज कम, एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। आई एम वेरी ग्लैड आई केम हियर, और मैंने ये खाया। ये बाकी का मैं ख़त्म करता हूँ, एंड आफ्टर आई एम फिल्ड आई विल गिव यू अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ व्हाट आई हैड। आई गेट बैक टू यू आफ्टर दिस। मैंने जो ऑर्डर किया था वो था कश्मीरी स्टाइल नॉनवेज थाली, और ये वाली थाली है कश्मीरी वाजवान थाली। जो थाली हमने ऑर्डर की थी, उस थाली का एक डिज़र्ट है कश्मीरी फिरनी। कश्मीरी फिरनी ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डाले हुए इसमें, एकदम फ्रेश। आइसक्रीम कश्मीरी स्टाइल में, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं कश्मीरी शुफ्ता। आइसक्रीम है, ड्राई फ्रूट्स है, इज़ ऑल्सो पनीर इन इट, कोकोनट, और ये कोकोनट ड्राई फ्रूट्स पनीर ये सब घी में रोस्ट किया हुआ है, एंड उसके ऊपर डाला हुआ है आइसक्रीम के ऊपर। बहुत टेस्टी, और ऐसा फ्लेवर कभी ट्राई नहीं किया था। बस एक ही बात है, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। तो ऐसे लग रहा था खाते जाओ पर मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है, दूसरे चीज़ें ट्राई करने के लिए वापस भी जाना पड़ेगा। ऐसा खाना है कि ऐसे लगता है कि खाते रहे मन नहीं भरता जल्दी से। टोटली डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है। हाँ, क्योंकि वो आपका जो वहाँ का कल्चर है वो आप सेम तरीके से यहाँ पे बनाते हो, तो यहाँ पे किसी ने वो टेस्ट नहीं किया हुआ है। जो अगर कोई गया होगा कश्मीर घूमने वगैरह तो उन्होंने किया होगा, पर यूजुअली नॉर्मल यहाँ के पब्लिक ने वो नहीं ट्राई किया होगा। इट्स डिफरेंट, और डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, डेफिनेटली। तो कैसा लगा कश्मीरी फूड का वीडियो? मुझे पर्सनली तो खाना बहुत अच्छा लगा। I felt like I was in Kashmir trying the same authentic food that they have over there. बहुत मज़ा आया, शानदार खाना था, एकदम शानदार। और अगर आपको ये cuisine ट्राई करनी है, आपको डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। You will not get this authentic Kashmiri food unless there's another person
who's opened a restaurant who's also from Kashmir. The owner of his restaurant is a Kashmiri Pandit. और उसी के वजह से वो टेस्ट वो ला पाते हैं, वो ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगी क्योंकि वो खुद वहाँ के हैं शेफ्स, जो वहाँ के लोकल्स हैं वही शेफ यहाँ पे काम करते हैं और वही वो खाना बनाते हैं। सो अगर आपको ये ट्राई करना है डेफिनेटली ट्राई इट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और ये जोमेटो और स्विगी पे भी डिलीवर करते हैं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो डंजो भी अवेलेबल है। सो डोंट वरी अबाउट द डिस्टेंस, अगर आप दूर भी रहते हो वाकड़ से तो डंजो भी कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू गेट सच काइंड ऑफ ऑथेंटिक डिफरेंट यूनिक प्लेसेस दैट आई फाइंड, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग दोज वीडियोज टू यू। ऑल यू गाइज हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक द वीडियो, एंड टिल देन यू गाइज कीप ईटिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।